दोस्तों, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके कहा कि दवाई लेने के बाद भी उनकी मम्मी का बीपी बहुत ज्यादा हाई है और नीचे नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ के लिए मैं डर लग रहा है, ये कहते कहते वो रोने लगे। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक नुस्खा बताता हूँ, उसे तुरंत बनाकर दो और एक एक्यूप्रेशर भी बता देता हूँ जो कितना भी बीपी हाई हो जाए तुरंत काम करेगा और 5-7 मिनट में ही बीपी नॉर्मल आ जाएगा। मैंने कहा कि एक कटोरी पुदीने की पत्तियां मिक्सी में डालो, साथ में 2-3 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल लो और इसको पीस लो। पुदीने की चटनी बन जाएगी। पुदीने की चटनी की 2-3 चम्मच तुरंत इनको खिलाओ। उन्होंने कहा कि हम अभी बनाकर इसे खिलाते हैं। फटाफट 2 मिनट में ही उन्होंने चटनी तैयार कर ली और तुरंत उनको खिला दी। 5-7 मिनट में ही उनका आराम आने लग गया। तब वो मुझसे कहने लगे कि पुदीने की चटनी कभी कभी हम खाते हैं पर ये इतनी ज़बरदस्त दवा है, हमको मालूम नहीं था। मैंने कहा कि ये घरेलू नुस्खे बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बनाने और यूज़ करने में भी बहुत आसान होते हैं, लेकिन बस हमको इनके बारे में मालूम नहीं होता। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। अब आप ऐसा करना कि अभी तो हर 2 घंटे से 1-1 चम्मच ये पुदीने की चटनी को खिलाना और फिर कल से दोनों टाइम खाना खाने के साथ इसे खिलाना। इससे बीपी नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इससे पेट भी साफ रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि पेट की गड़बड़ी और गैस से भी कई बार बीपी हो जाता है। तो अगर इनको इसकी वजह से बीपी बढ़ रहा होगा तो वो प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे कहा कि जरा कपड़े सुखाने की 4 चिमटियां ले आइए ताकि हाई बीपी का एक्यूप्रेशर भी कर दें। वो चिमटियां ले आए। मैंने एक चिमटी उनके बाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और दूसरी चिमटी उसी हाथ की सबसे छोटी उंगली में लगा दी। इसी तरह से तीसरी चिमटी उनके दाएं हाथ की बीच की उंगली में लगा दी और चौथी चिमटी दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में इस तरह से लगा दी। मैंने उनसे कहा कि जैसे ही आपको अनईजी लगने लगे तो आप बता देना, इनको उतार देंगे। 5 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि अनईजी लग रहा है। तब मैंने उन चिमटियों को उतार दिया और फिर बीपी नापा तो बीपी नॉर्मल था। सब लोग ये देखकर चकित रह गए। मैंने कहा कभी भी ऐसी बात हो तो इसे तुरंत कर डालना और इसे रोजाना दिन में एक बार इसी तरह से करना। बीपी हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, जान का खतरा भी नहीं रहेगा। सबकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के आंसू थे क्योंकि उनकी माँ की जान अब खतरे से बाहर थी। तो दोस्तों, आप भी हाई बीपी के इस बेहद आसान इलाज को यूज कीजिए, अपनी लाइफ सेव कीजिए और लाइफ बढ़ाइए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।